हे गाइस, गुड इवनिंग। इवनिंग बोलो या नाइट बोलो पता नहीं, क्योंकि अब बच रही है रात को 9। अब मैं रात के डिनर बना रही हूँ और पूरा दिन आज हमारे घर पे बिजली नहीं थे, इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए थे क्योंकि पूरा अंधेरा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही है सुबह से, सुबह के 4 बजे से स्टार्ट हुई बारिश स्टार्ट हुई थी, अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बारिश होते जा रहा था। स्कूल आज भंतु गए थे स्कूल, तन्मय दे के आए थे, भीगते भीगते गए, इसलिए पूरा दिन सो रहा है भंतु। ट्यूशन भी नहीं गए। अब बाहर तेज़ बारिश हो रही है। अब तन्मय खुद से ही बोल रहे हैं कल बारिश नहीं रुके तो कल खिचड़ी बना देना। मैंने बोला ठीक है बना दूँगी। और अब ये खा रही हूँ मैं रात को मटर, ग्रीन मटर या हरा मटर जो बोल सकते हो बोलो। ये मटर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये खा रहे थे और बारिश एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मैं बारिश में तो भीग नहीं सकती हूँ, वो तबीयत ख़राब हो जाती है। सो देख कर एंजॉय कर रही हूँ। दोपहर में बहुत सारे बच्चे लोग इधर खेल रहे थे, बारिश में नाच रहे थे और टिशू और मैं देख रहे थे, बस हंस रहे थे। हम लोग घर से ही एंजॉय कर रहे थे, वो लोग खेल कूद के इंजॉय कर रहे थे बारिश को और हम लोग देख के इंजॉय कर रहे थे। किसके घर पे कैसा बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। कलकत्ता में तो बारिश बहुत तेज, आज पूरा दिन ही बारिश हो रहे थे। अब इधर मैं बना रही हूँ चावल। सुबह के 9 या 10 बजे उस टाइम पे बिजली चले गए थे और अब रात को 9 बजे तक बिजली आई। अब 9:15 हो चुकी है, अब आई है बिजली। बताओ कैसे ब्लॉक करूं। और बाहर बारिश हो रही थी इसलिए पूरा दिन अंधेरा था। घर पे भी अंधेरा छाए थे, बाहर तो अंधेरा था ही बादल की वजह से। ये देखो अभी भी बारिश हो रही है। आप शायद आप लोग देख नहीं सकोगे, अंधेरा है इसलिए, पर आवाज़ से शायद ये देखो दिखाई भी दे रहा है बारिश हो रही है। तेज हो रही है बारिश, पर नहीं लग रहा है ये बारिश तेज हो रही है। मैं तो ये मारनी मजे में है। ये देखो लाला बुरी उठो, इसका उठने का मन नहीं है। जब बुलाते रुक जाओ करते सोते ही जा रहा है। ये देखो भंटू बुरी जागो महारानी, जागो जाग जाओ। ये क्या हो गया मुँह से, क्या निकला है देखो। मेरे मम्मी इसलिए भंटू को बोलते हैं लाला बुरी। क्या हुआ बेटा, उठ जाओ बोल रही मम्मी, सो जाओ आपको जराना है इसलिए। मैं इधर एक करके मटर खा रही हूँ क्योंकि ख़त्म होने के डर से, ख़त्म हो जाए तो क्या खाओगी, इसलिए एक एक करके खा रही हूँ मटर। और वजह से टिशू बोल रही है या खा लो या मुझसे शेयर करो क्योंकि मटर उसको भी फेवरेट है इसलिए। और मैं उसको दिखा के खा रहे थे और वो गुस्से में लाल होते जा रहे थे। और आज थे मम्मी का बर्थडे, स्पेशल दिन पर स्पेशल कुछ भी नहीं हुआ। घर के लोग मिलके छोटू सा एक पार्टी, जैसे पार्टी बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि कुछ भी नहीं बनाए, खाना वाना कुछ नहीं, बस एक छोटू सा केक लाए और मुँह मीठा किया सब ने बस। और मम्मी खुद ही खीर बनाए थे, खीर खा के हम लोग जन्मदिन कंप्लीट किया। क्योंकि और भंतु गए थे ट्यूशन, शाम के टाइम भंतु ट्यूशन गए थे, वो तो घर पे नहीं थे। वो आए उसके बाद तो केक खा लेंगे, बस यही हुआ आज मम्मी के बर्थडे। মায়ের মুখে আগে দাও বাবা, ফটো ফটো তোলা Happy birthday to you. ए गुंडा एक टुक तुले ठामा के खावाओ काटो। नहीं कंट्रोल। मेल्ट हो गया ऐसे करो। और हाथ एक टुक दाओ दी भाई। जाओ ठामा के खाई आशो जाओ। मैं आ चुकी हूँ अब नीचे। अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी, रोटी और बैंगन भाजी। इसलिए घर पे आटा ख़त्म हो गए थे, इसलिए तन्मय को बोले आप आटा लेके आओ दुकान से। गए थे दुकान, तन्मय सब आ गए। चलो चलते जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, बनती भी आ जाएगी। और ये छाता देवो, बाहर बारिश हो रहा है, इसलिए तन्मय को बोल रही छाता लेके जाओ, छाते। और ये है 5 kg का एक पैकेट। हम लोग पहले रोटी खाते थे, पर टिशू और मेरे एक बैड हैबिट है चावल खाने की। दिन रात सुबह जिस टाइम बोलो चावल ही खाते थे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। टिशू की वेट भी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उसका भी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए रोटी खाने की कोशिश करूँगी। मैं तो फूलती जा रही हूँ बस। और उसके साथ साथ मेरी बेटी को भी फूलने की लत लग गई है, इसलिए सोच रही हूँ उसको भी रोटी खिलाना पड़ेगा। डॉक्टर बार बार जाती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं उसको भी वेट बहुत ज़्यादा ही है। अभी टिशू को लाने गए और अभी से इतना तेज बारिश हो रहा है, क्या बताऊँ। जब उसको लाते हैं उस टाइम इतना तेज बारिश होते है, हर दिन भीग के आते हैं। अभी टिशू गुस्सा आ रहा है मेरे को, क्योंकि टिशू की ठंड की प्रॉब्लम है। वो भी मेरी तरह है, बाहर बारिश हो तो उसको ठंड लग जाती है, इसलिए मैं डर रही हूँ। क्योंकि टिशू के बुखार आए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं क्या करूँ। रात की डिनर कंप्लीट और बंतु रानी हेयर मसाज कर रहा है। मैंने उसको बोला बंतु मुझे कंघी कर दो और बाल बांध दो, इससे पहले थोड़ा मैसेज कर दिया करो, इसलिए महारानी अब मैसेज कर रहे हैं। मैसेज दे रहा है महारानी। लग रहा है बंतु को एक पार्लर खोल के देना पड़ेगा। अब जितना सा हाथ से जो करते हो ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, आरामदायक है। बंतु के हाथ का मैसेज लेने के बाद नींद तो पक्का। जिसको नींद नहीं आती वो बंतु को हाथ के मैसेज लेने में जल्दी से आ जाओ। बंतु के हाथ के मैसेज लेने के लिए जल्दी आ जाओ सब लोग। और मेरे आंखों के नीचे ये देखो डार्क सर्कल पड़ चुकी है। हर टाइम रात को मैं सोती नहीं हूँ, इसलिए उल्लू की तरह जगते रहती हूँ। इसका फल है ये, भगवान ने बोला ठीक है तो जग, तुझे जगने का इतना ही शौक है तो ये डार्क सर्किल ले ले, इसलिए इतना डार्क सर्किल। और बैंगन से मुझे एलर्जी है पर फिर भी मैं खाई। अब मैं खाऊंगी एलर्जी के लिए मेडिसिन, उसके बाद सो जाऊँगी। बहुत दिनों के बाद मैं खाई हूँ बैंगन भाजी, और ये मुझे बहुत पसंद है बैंगन भाजी। भंतु को भी पसंद है ना भंतु? गर्म भात जो बोलते हैं ना, गर्म चावल, गर्मा गर्म चावल, उसके साथ बैंगन भाजी। और हम लोग बोलते हैं गर्म भात उसके साथ बेगुन भाजा, गरम गरम भात और बेगुन भाजा, वो फौशम हम लोग बोलते हैं। तो हाँ, उसके लिए मुंह में ये देखो कितना सारा पिंपल निकल आई। ये पिंपल नहीं है, ये एलर्जी के लिए निकल आई है स्किन में। दिखाई नहीं दे रहा है पर है, ये देखिए चेहरे में हर जगह। तुझे इतना पसंद है ना, लुक मैं तुझे एक स्पेशल गिफ्ट देता हूँ। भगवान ने गिफ्ट दे दिया, एलर्जी। और आज बिजली ने इतना तंग किया, पूरा दिन बिजली नहीं थे घर पे, सो ब्लॉग भी नहीं बनाए। छोटू सा एक वीडियो डाल रही हूँ, पता नहीं देखते हैं कल बिजली रहे या ना रहे, क्योंकि बारिश बंद होने के तो नाम ही नहीं है। अभी भी बारिश हो रही है, अब बज रही है रात के 10, अभी भी बारिश हो रही है। और कल ही बंतु के एग्ज़ाम है ना बंतु? सोच रहे थे मैं आज, इतना बारिश हो रहा था, बारिश में भीगते भीगते बंतु स्कूल गए थे। सोचे थे कल बारिश हो तो उसको मैं नहीं भिजो, उसको नहीं जाना है, जब बोल दूँगी जो छोड़ दे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो घर पे रह जा। पर बंतु बोल रही है नहीं, कल मुझे स्कूल जाना है, जाना ही होगा, कल एग्ज़ाम है। मैं सोच रही थी नहीं छोड़ देते हैं कल के, उसको भेजूँगी नहीं। लो भंतु ने छोटी बना दी मेरी। अब मैंने मेडिसिन जो सारे ले रहे थे रात को वो सब ले ली। और अब ये इनहेलर 2 इसको ले लूँगी, उसके बाद सो जाएंगे। सो आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। खुद का ध्यान रखना, अपना परिवार के ध्यान रखना, और ये भी हम लोगों को सपोर्ट करते रहना। बाय।